श्री नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज मैं आप लोगों को अथर्ववेद से कुछ बातें बताऊंगा। आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे कपल्स साथ में खुश रहते हैं और बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जिनका समन्वय बैठता ही नहीं है। तो अथर्ववेद में या वेदों में हर समस्या का एक समाधान दिया हुआ है, या फिर एक ऐसा समाधान दिया हुआ है जिसके कारण किसी भी परेशानी का शुरुआत ही ना हो। तो अथर्ववेद में दाम्पत्य विलास मर्म शास्त्र है। क्या है? दाम्पत्य विलास मर्म शास्त्र। इस शास्त्र में वो विद्या बताई गई है जिसको अगर ध्यान में रखें और उसके बाद जोड़ी बनाई जाए, या जिसके बाद जोड़ियों को देख के वशीकरण किया जाए, तो वो वशीकरण कभी फेल नहीं होगा। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि जब बोला जाता है कि आप आज में जियो, कल तय नहीं है और कल बीत चुका है, तो लोग आज को पकड़ के बैठ जाते हैं। मैं एक ऐसे पंजाबी गाना सुन रहा था, उसमें बोला कि कल तो जाना मरवे, चल मेलू नु चलिए। मतलब कल तो मर ही जाना है, तो चलो आज मेला घूम के आते हैं। ये गाना आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, लेकिन बात बड़ी मूल है। इतने शास्त्रों को पढ़ के, इतने वशीकरण के नियमों को पढ़ के, वो आपको शायद ना मिले जो एक गाने को समझ के आपको मिल सकता है कि कल जो है, जो कल है वो निश्चित है। आप पैदा हुए हैं मृत्यु के लिए, लेकिन आज का दिन जो है वो मेला है। तो उस आज के दिन को आप रो के बिताना चाहते हैं, गुस्सा के बिताना चाहते हैं, खुद को परेशान करके बिताना चाहते हैं और लोगों को परेशान करके बिताना चाहते हैं, या फिर खुश रह के बिताना चाहते हैं, या बिल्कुल आप पर है। और इस मूलभूत बात को अगर आप समझ लोगे तो फिर किसी भी तरीके के वशीकरण का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अब आते हैं विषय पर। विषय ये है कि दाम्पत्य विलास मर्म शास्त्र में पुरुष और स्त्री को चार भाग में बांटा गया है। वो बांटा गया है उनके स्वभाव और उनके रूप पर। अगर आप एक स्वभाव और एक रूप के स्त्री पुरुष को एक साथ रखेंगे तो उनका वैवाहिक या प्रेम जीवन बहुत अच्छा रहता है, लेकिन बिल्कुल ही उल्टा स्वभाव वाले लोगों को रखेंगे तो लड़ाइयाँ होंगी, शांति नहीं रहेगी। इसके अलावा अगर आप वशीकरण करते हैं तो वशीकरण के कई स्टेज होते हैं। अगर आप देखिएगा कि अगर दाम्पत्य विलास मर्म शास्त्र के हिसाब से एक तरह का दोनों महिला और पुरुष का नेचर है और लुक है, तो उसमें कम शक्ति वाली वशीकरण की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर प्रथम श्रेणी का पुरुष है और अंतिम श्रेणी की महिला है, तो जो हम लोग तंत्र का प्रयोग करते हैं वो काफ़ी भारी भरकम, चाहे तो आसुरी करते हैं या उच्चिष्ट करते हैं। तो अब सुनिए कि क्या क्या इस शास्त्र के हिसाब से कैसे कैसे पुरुष होते हैं। चार तरीके के जो पुरुष होते हैं, उसमें सबसे पहला जो पुरुष की श्रेणी है उसको सहसा बोलते हैं। सहसा के का क्या पहचान है? ये लंबे होते हैं, मधुरभाषी होते हैं, इनका चेहरा गोल होगा, इनका हाथ कमल की तरह होता है, दांत इनके गोल होंगे, बाल काफ़ी इनके काले और घने होंगे, व्यवहार में बहुत कुशल और बहुत गंभीर रहते हैं।
इनका एक और लक्षण है कि ये कम खाते हैं और कम बोलते हैं। देखो, ये जो चार मैं तरीके के लोगों के बारे में बता रहा हूँ, जो शास्त्र के हिसाब से बताया गया है, इसमें किसी को इन्फीरियर या सुपीरियर नहीं बताया गया है। इनका बॉडी और इनका बिहेव बताया गया है, ठीक है। इन सबको देख के ही मैच मेकिंग की प्रक्रिया की जाती है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि पहले ज़माने में जब कन्या को देखने जाते थे या फिर वर को देखने जाते थे लोग, तो उनको चलाकर देखते थे, उनका हाथ देखते थे, उनका पांव देखते थे। तो अब तो खैर फेमिनिज्म का ज़माना है, इसका विरोध होने लगा है, लेकिन लोग पहले ज्ञानी थे। खैर अब तो इसलिए भी इसका विरोध होना जायज़ है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि देखना क्या चाहिए। वो तो ठीक चलता है, लंगड़ा नहीं है, छह उंगली नहीं, यही देखते हैं। लेकिन कायदे से जो देखा जाता है वो ये शास्त्र के हिसाब से देखा जाता है कि जो जिसके लिए आप वर या कन्या का चुनाव करने जा रहे हैं वो किस श्रेणी में आता है और जिसको आप चुन रहे हैं वो किस श्रेणी में। तो दूसरे श्रेणी में जो पुरुष आते हैं वो उनको हारनी कहते हैं। ये बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, चौड़ी छाती होती है, बिल्कुल पहलवान की तरह। इनके आँख काफ़ी तीखे होंगे, मोटी नाक होगी। खुश रहने, इनका आदत है खुश रहने का, ठीक है। और ये प्रशासनिक पद पर ज़्यादा रहते हैं या फिर प्रशासन बहुत अच्छा कर लेते हैं, किसी का भी कभी भी मजाक उड़ा देते हैं। अब अगले को अच्छा लगे बुरा लगे इनको मतलब नहीं होता है, ठीक है। और खुश रहते हैं, भगवान से इनका बड़ा जुड़ाव रहता है और बड़े साहसी लोग होते हैं। तीसरी श्रेणी में जो पुरुष आते हैं उनको रुषा बोलते हैं। ये लोग स्थूल होंगे, बिल्कुल स्थूल, कम हिलना, कम डुलना, ज़्यादा खाना, थोड़े मोटे होंगे, बल्की होते हैं, सुंदर होती हैं इनकी आँखें, लंबे होंगे, इनकी जीभ काफ़ी लंबी होगी और शरीर छोटा होता है ऊपर से, और नीचे इनका शरीर पैर जो है वो बड़ा होगा। इनका जो पसीना है जैसे वो कसैला महकता है, मतलब कसैला गंध किसको कहते हैं, जो सुपाड़ी का गंध होता है ना, भींगे सुपाड़ी का, वैसा इनका पसीना महकेगा। ये काफ़ी काम विचार में डूबे हुए रहते हैं और बड़े एग्रेसिव होते हैं। अगर किसी थॉट पे ये चले गए तो ये उसको करेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल तो साइको वाला इनका एक एटीट्यूड होता है। इनको मान अपमान, पाप पुण्य, इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं होता है। जो चौथे तरीके का पुरुष बताया गया इस शास्त्र में वो है अश्व। ये थोड़े श्यामल वर्ण के होंगे, बड़े नाजुक डेलिकेट होते हैं। इनका बाल भी अलग होगा आम लोगों से, होंठ काफ़ी लंबे होते हैं, बहुत बलिष्ठ नहीं होंगे और शरीर में काफ़ी इनका इनके बाल रहते हैं। ये थोड़े धूर्त होते हैं, झूठ बोल लेते हैं, ये सोते बड़े कम हैं और काम क्रोध पर इनका वश नहीं होता है, ठीक है। थोड़े और ज़्यादा धनी हैं तो और ज़्यादा भोजन है तो और ज़्यादा, वो और ज़्यादा वाले श्रेणी में आते हैं, ये कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। तो चार तरीके के पुरुष हैं, सहसा, हारिणी, रुषा और अश्वा। अब अगर कभी आप देखने जाइए किसी के लिए वर, तो आप ये समझ लीजिएगा कि किस श्रेणी में वो लड़का आता है और क्या आपकी वधू के साथ वो सही बैठता है। तो अब आपकी वधू कैसी है, मतलब आपके घर की जो भी बेटी है जिसके लिए आप वर देखने जा रहे हैं वो कैसी है, उनका क्या श्रेणी है, ये आप जान लीजिए। जैसे उनका भी चार श्रेणी होता है शास्त्र के हिसाब से, पद्मिनी एक श्रेणी है। तो पद्मिनी को बोला जाता है कि वो बिल्कुल ही कमल की तरह उसकी कांति होती है, ठीक है, और नाक लंबी होगी, शेर की तरह चलेगी, कमल की तरह उसके जो कमल की जो बर्ड्स होती हैं उनकी तरह उसकी उंगली होती है, कम भोजन करती है, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद रंग से उसको बहुत ज़्यादा प्रेम होगा और उसकी हाइट ना बहुत ज़्यादा होगी ना ज़्यादा कम होगी। पद्मिनी, इनका सबसे अच्छा मेल होता है सहसा के साथ। दूसरा होता है हस्तिनी। हस्तिनी क्या है, ये लाल रंग बहुत इनको प्यारा होता है, इनका नेचुरल हेयर भी लाल होता है बहुत बार,
इनका जो पैर होगा वो सीधा नहीं होता, वो हल्का टेढ़ा मेढ़ा होता है। उंगली इनका जो है काफ़ी मोटा होगा। पसीने में इनकी बदबू होती, जनरली महिलाओं के पसीने में उतनी बदबू नहीं होती, लेकिन जो हस्तिनी श्रेणी में आएंगी उनका पसीना थोड़ा बदबू करता है। आवाज़ थोड़ी मर्दानी होगी, ठीक है, और ये काफ़ी कामुक होती हैं। नमक मिर्च इससे बना खाना इनको बड़ा पसंद होता है, और बहुत बातूनी होती है, मतलब आप इनसे चर्चा करते रहो और ये आपसे चर्चा करती रहेंगी। तीसरा जो प्रकार बताया गया वो है चितनी का। चितनी लंबी होती है, सुडौल होती है, होंठ इसके बड़े मोटे होंगे थोड़े, चेहरा गोल होता है, दृष्टि बड़ी चंचल होती है, मतलब कहीं देखेगी कहीं देख रही होगी ऐसी इसकी दृष्टि होती है, ठीक है। दांत इसके काफ़ी सुंदर होते हैं। इनके सर पे बाल कम होता है। इनका पसीना है वो मधु की तरह महकेगा। ये जो चितनी होती है इनका एक स्वभाव होता है कि ये जब भी शादी करेंगी तो बहुत ही अमीर व्यक्ति से करेंगी, ठीक है, और ये पूरे दिन में सबसे ज़्यादा जो एक्टिव रहती हैं ये शाम के 7:30 से 9 बजे तक रहती है। 9 बजे के बाद इनकी बत्ती गुल हो जाती है और ये अर्ली स्लीपर्स होती हैं। बहुत ज़्यादा सुख की कामना नहीं करती हैं, किसी भी चीज़ में थोड़े समय तृप्त हो जाती हैं, और इनको खट्टा मीठा ऐसा भोजन बहुत अच्छा लगता है। अच्छे वस्त्र पहनना इनको बड़ा पसंद है। चौथा जो श्रेणी बताया गया है महिलाओं में लड़कियों में वो शाकिनी का है, शंखिनी का है। शंखिनी का क्या है, ये कभी सीधी खड़ी नहीं होंगी, थोड़ी बल्की होंगी, हमेशा थोड़ा झुक के खड़ी होंगी, बड़ी बड़ी आँखें होंगी इनकी। इनका गला जो होता है वो शंख की तरह होता है, तिरछा देखती हैं हमेशा, हाथ मोटा और बिल्कुल स्ट्रेट होगा, जो पैर होगा वो भी मोटा होगा, आवाज़ थोड़ा कर्कश होगा। जब ये चलती हैं तो इनके चलने का आवाज़ होता है, जो धम धम आवाज़ होगा वो होगा, और हर तरह का लोभ मोहन महामाया ये सब इनमें विराजमान होता है, ठीक है। इनके बारे में और एक विषय है कि ये अगर किसी के साथ हो तो साथ वाले में भी लोभ मोह महामाया का जो है वो प्रताप बढ़ जाता है। इनका एक और ये पहचान है कि शरीर के अलावा इनको आदत होती है कि इधर की बात उधर करे और उधर की बात इधर करे, ठीक है। ये कभी किसी पर दया नहीं करती हैं, और इनको लाल वस्त्र बहुत प्रिय होता है। इसके बाद थोड़ा मैं आप लोगों को और कुछ बता देता हूँ। तो मतलब आप समझ लीजिए, अगर सहसा पद्मिनी का योग बना बहुत अच्छा होगा, सहसा हस्तिनी का योग बना तो भी ठीक है, सहसा चितनी का योग बना तो थोड़ी स्थिति खराब होगी, सहसा और शंखिनी का अगर योग बनता है तो बुरा रिजल्ट देगा। तो इस तरीके से ये चार चार मैंने आप लोगों को बाइफर्केशन बता दिया है। इसके बाद आप लोगों को करना ये है कि 1, 2, 3, 4 नंबर लिख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसी हिसाब से जो है स्वभाव मिला करके लड़का और लड़की की शादी करें, या फिर आप भी अपने लाइफ पार्टनर को चुन रहे हैं तो इसके हिसाब से चुने। एक विषय और, अगर आप वशीकरण कर रहे हैं तो सहसा और शंखिनी का अगर आपको वशीकरण करना है तो छोटे तंत्र और टोटकों में समय जाहिर ना करें, जो आपके पास सबसे अच्छा हथियार है वही चलाएं। अगर सहसा और पद्मिनी के बीच में अगर आपको प्रेम वशीकरण करना है तो छोटा मोटा टोटका करना ही काफ़ी होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कभी और मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अगर दो तरीके का, जैसे अगर मान के चलो कि अगर हारिणी और पद्मिनी का शादी हो गया, ठीक है, हारिणी पुरुष और पद्मिनी स्त्री का शादी हो गया, तो उसका जो बालक होगा वो बिल्कुल देवभक्त होगा, ठीक है, और जो पहली पुत्री होगी वो बहुत सुंदर होगी। तो इस संयोग को मिलाने से आपको ये भी पता चल सकता है
कि अगला जो शादी हुआ है या फिर जो भी संयोग बना है उसमें लोग मतलब उनको पुत्र होगा पुत्री होगी या फिर भक्ति भाव वाले बच्चे होंगे या फिर काफी बदमाश बच्चे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे बेसिक साधना ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वो एक पेड ग्रुप है 9431188585 पर। इसके अलावा जिनको भूत प्रेत में इंटरेस्ट है वो मेरी किताब है हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अमेजोन या फ्लिपकार्ट से खरीद के पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के लिए www.aghortantrahasya.xyz पर जाइए। मैं अपॉइंटमेंट सेक्शन से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए rudnath@cm4। आज के लिए इतना ही। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।